हेलो स्टूडेंट्स, SKLGD ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम केवल आज डाउट्स को ही डिस्कस करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी डाउट्स दे रखे हैं उन्हें देखते हैं क्या क्या डाउट्स दिए हुए हैं। MCQ में कोई डाउट्स नहीं आया है, ना ही इसमें कोई डाउट्स है। अब बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो सुन लीजिए, ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स put up together to perform these three major function again and again, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। जितने भी कलेक्शन होते हैं तो क्या बोल सकते हैं हम, डिफाइन इस तरह कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया, ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पुट टुगेदर टू परफॉर्म थ्री मेजर फंक्शंस अगेन एंड अगेन, दैट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NALU, ठीक। तो ALU का फंक्शन क्या है, तो ALU कैरीज आउट ऑल द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपेरिजन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन, ठीक। ऑल बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू आर परफॉर्म बाय द ALU। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ALU द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फ्लैश मेमोरी यूज्ड फॉर, फ्लैश मेमोरी का यूज कहां किया जाता है, क्या है, सॉरी फ्लैश मेमोरी का यूज क्या है। तो जो आपने देखा था, हमने बात की थी इससे पहले भी फ्लैश मेमोरी के बारे में, तो फ्लैश मेमोरी क्या है, एक पेन ड्राइव होती है, लगभग फ्लैश ड्राइव को ही हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इफ फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस वाया USB पोर्ट, ठीक है ना। तो ए फ्लैश ड्राइव इज ए स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज वाया USB पोर्ट, ओके। व्हाट इज द ब्लॉक इन ए हार्ड डिस्क, ब्लॉक क्या है हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए ब्लॉक इज अ सेक्टर और ए ग्रुप ऑफ सेक्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एड्रेस, ओके। ए ब्लॉक इज ए सेक्टर और ए ग्रुप ऑफ सेक्टर दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एड्रेस। नेम द टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज प्लेस्ड लॉजिकली बिटवीन रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी, जो रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो हम प्लेस्ड करते हैं, तो कैचे मेमोरी इज द आंसर। इसका आंसर क्या होगा, कैचे मेमोरी, ठीक। कैचे मेमोरी होती है जो लॉजिकल पोजिशन में होती है रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के, ठीक। तो फिफ्थ का क्या होगा, कैचे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए ड्रम स्कैनर वर्क, ड्रम स्कैनर जो होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो जब हम ड्रम स्कैनर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे वर्क करेगा, है ना। तो ए ड्रम स्कैनर आर कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर दैट
स्पिन्स द इमेज एट हाई स्पीड व्हाइल इट इज स्कैन्ड पिक्सल बाय पिक्सल क्रिएटिंग द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी स्कैन इमेज। ओके, देखो कैसे वर्क किया था इसने। ड्रम स्कैनर आर ए कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर दैट स्पिन द इमेज एट हाई स्पीड व्हाइल इट इज स्कैन पिक्सल बाय पिक्सल क्रिएटिंग द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी स्कैन इमेज। ओके, उसके बाद हेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी स्कैन इज ब्रेड अराउंड ए ड्रम एंड देन स्कैन बाय मूविंग द डिटेक्टर हेड लॉन्गिट्यूडिनली एज द ड्रम इज रोटेटेड। ठीक है ना, क्रिएटिंग द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी स्कैन इमेज। हेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी स्कैन इज ब्रेड अराउंड ए ड्रम एंड देन स्कैन बाय मूविंग द डिटेक्टर हेड लॉन्गिट्यूडनली एज द ड्रम इज रोटेटेड। लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कोई दो एडवांटेज क्या होंगे, ठीक है ना। एक तो सेकेंड इज इट इज यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम एंड इट इज अ चीपर। ठीक, इट इज ए चीपर, ये दो लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो तीसरा, इट इज यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, इट इज यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कहने का अर्थ यह है कि जो पेपर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यूज करते हैं तो जो पेपर है वो होल्ड रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है ना, तो इसके एग्जाम्पल सॉरी एडवांटेज क्या हो गए, दो एडवांटेज ये हो गए, एक तो ये चीपर है, ठीक, सेकेंड इज होल्ड द पेपर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टेप टू, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के डिसएडवांटेज क्या हैं? देखो दो डिसएडवांटेज है, पहला तो हो गया इसके लिए जब हम यूज करते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर्स यूज किए जाते हैं, है ना। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, वो कभी कभार होता है कि इसमें ये प्रिंट क्लियर नहीं आते और ये प्रिंट कुछ दिनों बाद रिमूव हो जाते हैं। ठीक है ना, ये प्रिंट क्या है, कुछ दिनों बाद रिमूव हो जाएंगे। ठीक, तो पहला डिसएडवांटेज हो गया कि हम केवल या तो एक साथ ब्लैक प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक, या कोई भी एक ही एडिशनल कलर यूज कर सकते हैं, पहला डिसएडवांटेज ये है। ठीक, और जब भी इसको अप्लाई करेंगे इसका यूज डिफरेंट टेम्परेचर पे किया जाएगा। किस पे किया जाएगा, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम थर्मल वैक्स प्रिंटर का यूज करते हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि हमें डिफरेंट टेम्परेचर भी चाहिए फर्स्ट। सेकंड इज हमें इसमें जो पिंस हो क्या कहते हैं सॉरी जो हमारे प्रिंटिंग होती है वो ब्लैक या एक ही और कलर ले सकते हैं, अदर कलर नहीं ले सकते, डिफरेंट कलर्स यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए लेजर प्रिंटर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है और ये डिफरेंट क्यों है। देखो हमने इंकजेट प्रिंटर पढ़ा था, इंकजेट प्रिंटर जो थे वो करेक्टर्स प्रिंट करेक्टर्स ऑन अ पेपर यूज किए जाते थे, प्रिंट करेक्टर्स ऑन पेपर। ठीक, और इसमें क्या थे, जो इंपैक्ट प्रिंटर फायर इंक ड्रॉप्स ऑन द पेपर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक, द प्रिंट हैड हैज अ नोजल विच फायर्स अ जेट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक एट द पेपर दस फॉर्मिंग अ करेक्टर। ठीक, जबकि लेजर प्रिंटर भी हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अरेंज करता था पेपर की इमेज में, और इसमें डिफरेंट क्या है इंकजेट से कि जो लेजर प्रिंटर है उसकी जो स्पीड रेंज है वो काफी फास्ट है। स्पीड कैन रेंज फ्रॉम 10 पेजेज पर मिनट टू अबाउट 200 पेजेज पर मिनट। ठीक, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी अच्छी है, स्पीड अच्छी है और नॉइजलेस ऑपरेशन
में वर्क करता है, ठीक है ना, नॉइज लेस ऑपरेशन में लेजर प्रिंटर हमारा वर्क करेगा। क्वेश्चन था पहला, व्हाट इज अ लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर के बारे में हम ये लिख सकते हैं, लेजर प्रिंटर यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिकली टू अरेंज टोनर ऑन द पेपर टू फॉर्म एन इमेज, ठीक है ना, टू फॉर्म एन इमेज। द टोनर इज देन बाउंडेड टू द पेपर विद हीट, ठीक। और डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दीज प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, जो लेजर प्रिंटर है हाई क्वालिटी आउटपुट, हाई स्पीड, हाई वॉल्यूम टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, जबकि नॉइज लेस ऑपरेशन होती है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर जो है वो इससे चीपर है, ठीक। लेजर प्रिंटर के मुकाबले इंकजेट जो प्रिंटर है वो चीपर है, ठीक, चीप है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी दैट फॉर्म द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कितने टाइप्स की हम जो मेमोरी यूनिट है इस कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, तो पहले लिखना है इसमें इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज, इंटरनल प्रोसेस मेमोरी, सेकेंड इज कैचे मेमोरी, थर्ड इज प्राइमरी मेमोरी, फोर्थ इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। ये फोर टाइप्स की डिफरेंट मेमोरी यूनिट मेमोरी हम कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज करते हैं। कौन कौन सी हो गई, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। डिफाइन द टर्म ब्लॉक एंड सेक्टर टू बी यूज इन अ हार्ड डिस्क। हम ब्लॉक को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ओके, ब्लॉक को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, अब हम सेक्टर को डिफाइन करते हैं। ए सेक्टर इज वन ऑफ द पाई स्लाइसेज द डिस्केट और डिस्क इज डिवाइडेड इंटू, ओके, डिवाइडिंग द सर्कुलर मीडियम इंटू पाई स्लाइसेज इज वे टू ऑर्गेनाइज इट सो दैट डेटा कैन बी लोकेटेड बाई रीड राइट हेड्स ऑफ द ड्राइव, ओके। तो ये ही इसका आंसर होगा। तो सेक्टर क्या है, ए सेक्टर इज वन ऑफ द पाई स्लाइसेज द डिस्केट और डिस्क इज डिवाइडेड इंटू, ठीक है, ए सेक्टर इज वन ऑफ द पाई स्लाइसेज द डिस्केट और डिस्क इज डिवाइडेड इंटू, जबकि ब्लॉक क्या होता है, ए ब्लॉक इज अ सेक्टर और ए ग्रुप ऑफ सेक्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एड्रेस, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी, सीडी और डीवीडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि जो सीडी है, अगर हम बात करें सीडी के बारे में, तो सीडी क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जबकि डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। पहला डिफरेंस ये हो गया, ठीक, फुल फॉर्म। सेकेंड इज सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो 80 मिनट्स की होती है, कितनी होती है, 80 मिनट, ठीक, जबकि 700 एमबी ऑफ डेटा यूज कर सकते हैं एक सीडी के अंदर, हम कितना डेटा यूज कर सकते हैं, 700 एमबी, ठीक, जबकि जो डीवीडी होती है उसमें 17 जीबी डेटा को हम होल्ड कर सकते हैं, 17 जीबी डेटा को हम होल्ड कर सकते हैं, और उसकी टाइमिंग कितनी थी, सीडी की 80 मिनट, और डीवीडी की टाइमिंग कितनी हो सकती है, लगभग 133 मिनट्स की हम फिल्म देख सकते हैं, 133 मिनट्स की फिल्म हम यूज कर सकते हैं। और डीवीडी में सिंगल और डबल साइड होती है, डीवीडी में क्या है, सिंगल एंड डबल साइड होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द टर्म्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड। डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, इंफॉर्मेशन इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा को। अब ये टर्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये दोनों जो टर्म है ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। मान के चलो जब हम कोई टेबल बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट का डेटा आता है, नेम, क्लास, रोल नंबर, इस तरह से लिखा आएगा, ठीक। जैसे नेम मान के चलो सचिन है, क्लास 9th है, और डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 2000 है ना,
ये हो गया हमारा डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को जब हम यूज करेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन के लिए लिखा जाएगा माय नेम इज अ सचिन, आई रीड इन क्लास 9, माय डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर या 10 अक्टूबर 2000। ओके, दिस इज अ इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज केवल कुछ टर्म्स यूज किए और कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? नेम टू इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और हमें किसी दो इनपुट डिवाइस के नेम बताने हैं। तो सबसे पहले दो इनपुट डिवाइस जो है हम कीबोर्ड माउस, ये दो हमारे इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है ना। कीबोर्ड एंड माउस इज अ इनपुट डिवाइस। ओके, और द इनपुट डिवाइस दैट आर यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस दैट आर यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, उसके लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। यूजिंग अ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन हाउ डेटा इज प्रोसीड इनटू इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आप चाहो तो कट भी कर सकते हो। और एक्सप्लेन कर रहा है डेटा कैसे प्रोसीड करता है, तो हमें इसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट का ब्लॉक डायग्राम शो करके दिखाना है, ठीक है। जो हमने पहले चैप्टर में कुछ ब्लॉक डायग्राम बने थे फंक्शनल यूनिट वगैरह, तो उस वही क्वेश्चन है ये सेम। चाहो तो इसे छोड़ सकते हो अगर फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो तो, ठीक। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक सेक्टर एंड सिलेंडर ऑफ अ हार्ड डिस्क विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये मैंने समझा दिया है, सेक्टर ब्लॉक बता दिए हैं। अब सिलेंडर, यहाँ पे अगला पार्ट क्या है? ये जो सिलेंडर है इसका क्या वर्क है, है ना। तो सिलेंडर सुन लीजिए, ईच प्लेटर हैज द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल प्लेटर्स आर कॉल्ड सिलेंडर। Each platter has the same number of tracks and a track location that cuts across all platters is called cylinder. Okay? Describe the memory storage of a computer system. तो हम इसमें क्या बता सकते हैं? जो अभी मैंने नाम दिए थे, है ना? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, कैचे मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो इनमें से किसी भी दो मेमोरी को आप डिस्क्राइब कर देना। जैसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हम करा चुके हैं, तो उन दो मेमोरी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक। हाउ इज अ इंपैक्ट प्रिंटर डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर? ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ दीज प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर कैसे डिफरेंट है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना, एक्सप्लेन भी किया है क्यों डिफरेंट होते हैं ये। मैंने बताया था जो इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्ट एंड इमेज व्हेन मैकेनिकल कंपोनेंट इन द प्रिंट हेड स्ट्राइक द इंक रिवन बाय फिजिकली कॉन्टेक्टिंग द पेपर। और इनकी स्पीड कम रहती है, जबकि ये नॉइज भी ज्यादा, मोर नॉइज के साथ यूज किए जाते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है वो विदाउट एक्चुअली स्ट्राइकिंग द पेपर यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, विदाउट एक्चुअली स्ट्राइकिंग द पेपर, ठीक। और ये क्या है, इसमें नॉइज भी कम होती है और इनकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना। नॉइज लेस है ये और इनकी स्पीड ज्यादा है। कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं तो इंपैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल क्या है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर, डाई सिमुलेशन प्रिंटर, थर्मल बैक्स प्रिंटर। एक्सप्लेन हाउ प्रिंटिंग अकर्स इन अ लेजर प्रिंटर। कैसे हम लेजर प्रिंटर्स को कर सकते हैं, ठीक। इससे पहले मैं लेजर प्रिंटर समझा चुका हूं, तो वहां से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। एक बार और बता देते हैं, लेजर प्रिंटर्स यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू अरेंज टोनर ऑन द पेपर टू फॉर्म एन इमेज। द टोनर इज देन बाउंडेड टू द पेपर विद हीट। ओके, अगला क्वेश्चन है, समीम इज ए स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड वांट टू डिजाइन अ बिल्डिंग यूजिंग हिज कंप्यूटर। ही मैनेज्ड टू ड्रॉ बिल्डिंग बट
is unable to determine what type of printer should we use. Suggest him a suitable printer along with the region. तो यहाँ पे बिल्डिंग उसे बनानी है, यानी एक लेआउट बनाना है. तो लेआउट के लिए हम किस प्रिंटर का यूज करते थे? अगर हमें कोई लेआउट या डायग्राम या बैनर बनाना होता था तो उसमें हम किस प्रिंटर का यूज करते हैं? प्लॉटर. तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट का? प्लॉटर. प्लॉटर इज द आंसर. ठीक, आंसर हो गया इसका. सेकेंड इज, अनुष्का इज अ वीडियो एडिटर एंड परफॉर्म्स वीडियो एडिटिंग इन अ प्रोडक्शन हाउस. द फाइल सी स्टोर्स आर यूजली ऑफ ह्यूज साइजेज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 30 GB. द कंपनी प्लान्स ऑफ अपग्रेडेशन एंड रिक्वायर्ड टू कीप बैकअप. सजेस्ट अनुष्का एन ऑप्टिकल डिस्क दैट विद हेल्प हर इन कीपिंग बैकअप विद रीजन्स. ठीक, बैकअप रख सकते हैं और इसका रीजन भी हमें देना है. तो हम यहाँ ब्लूरे डिस्क का यूज कर सकते हैं. किसका यूज कर सकते हैं? ब्लूरे डिस्क, क्योंकि ब्लूरे डिस्क कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई डेफिनेशन डाटा. इट स्टोरेज कैपेसिटी इज 5 times हायर देन द ट्रेडिशनल डीवीडी. जो ट्रेडिशनल डीवीडी है उससे ज्यादा है 5 times. और हम इसमें 25 GB सिंगल लेयर में जबकि 50 GB ड्यूल लेयर डिस्क में भी यूज कर सकते हैं, डेटा को हम रख सकते हैं. तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी ऑप्टिकल डिस्क, तो ब्लूरे डिस्क यूज कर सकते हैं. ठीक, फैंटम इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर हु इज डेवलपिंग अ स्मॉल सॉफ्टवेयर फॉर ए रिटेल चेन. अनफॉर्चुनेटली द शॉप ओनर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड हिम एन इंटरनेट कनेक्शन. Phantom carrier different modules of this software install in the computer connected in various soap and carry sample data back with him for testing. Which storage device will you suggest to him to use for this purpose? This device should have high storage capacity and should be rewritable. अब इस question में क्या दिया है कि Phantom एक computer programmer है, उसने एक रिटेल चेन के लिए स्मॉल सॉफ्टवेयर को डेवलप किया. अनफॉर्चुनेटली सोप ओनर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड हिम इंटरनेट कनेक्शन. जो सोप ओनर था वो उसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सका. ठीक है ना. फैंटम कैरी डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल द कंप्यूटर कनेक्टेड इन वेरियस सॉप एंड कैरी सैंपल डेटा बैक एंड हिम फॉर टेस्टिंग. ठीक है ना. उसने क्या किया, उस डेटा को किस तरह से वो सैंपलिंग के लिए यूज किया है ना, सैंपल ये उसने यूज किया. अब विच स्टोरेज डिवाइस यू सजेस्ट टू हिम यूज फॉर दिस पर्पज. कौन से स्टोरेज डिवाइस को आप उसको सजेशन दोगे कि वो इस स्टोरेज डिवाइस को यूज करे. और दिस डिवाइस should have high storage capacity and should be rewritable. और ये डिवाइस कैसा है? Rewritable है. इसका हम यूज कर सकते हैं कहीं भी, है ना. तो rewritable के लिए हम ज्यादातर कौन सा यूज करते थे? डीवीडी राइटेबल. ठीक, सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर को अगर हमें सीडी में चाहिए या डीवीडी में चाहिए तो वहां पे हम सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? डीवीडी rewritable. ठीक है ना, इसका यूज करते हैं हम, डीवीडी rewritable. ओके, नेक्स्ट. एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, द ओसीआर स्कैन टेस्ट ऑप्टिकली करेक्टर वाई करेक्टर. इसका आंसर क्या होगा जी का? ऑप्टिकली करेक्टर वाई करेक्टर. ओके, अब हम बात करते हैं इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की. हाउ मेनी यूनिट्स मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम, नेम देम. है ना, तो आप जानते हो कौन कौन सी? इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट. ये हम चारों यूनिट्स बना सकते हैं. 4 units मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. डिफाइन आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट को डिफाइन करना है. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आउटपुट डिवाइस टू कैरी आउट द टास्क ऑफ डिस्प्लेइंग गिविंग आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आउटपुट डिवाइस टू कैरी आउट द टास्क ऑफ डिस्प्लेइंग गिविंग आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर. ठीक है, नेम द कीबोर्ड, रोल्ड अप कर सकते हैं. वेन नॉट इन यूज,
एंड इजी टू कैरी वाइल ट्रेवलिंग। तो किस कीबोर्ड का नाम होता है रोल अप कीबोर्ड या फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। विच टाइप ऑफ माउस यूजेज ऑप्टिकल लाइट्स टू मूव द माउस पॉइंटर। ऑप्टिकल लाइट के लिए कौन सा माउस पॉइंटर यूज किया जाता है, ऑप्टिकल माउस ही होता है वो, ठीक है ना। कौन सा माउस होता है, ऑप्टिकल माउस, ठीक। ऑप्टिकल लाइट्स के लिए कौन सा माउस यूज किया जाएगा, ऑप्टिकल टाइप ऑफ माउस, ठीक, ऑप्टिकल टाइप ऑफ माउस। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी स्कैनर। ट्रांसपेरेंसी स्कैनर के बारे में, तो इट इज यूज बाय फोटोग्राफर्स टू डिजिटलाइज द प्रिंट्स एंड फिल्म टेकन बाय देम। इट इज यूज बाय फोटोग्राफर्स टू डिजिटलाइज द प्रिंट्स एंड फिल्म टेकन बाय देम, ठीक। व्हाट इज द यूज, सॉरी, व्हाई इज डिजिटाइजर ऑल्सो नोन एज ग्राफिक्स टैबलेट। क्यों कहा जाता है ग्राफिक्स टैबलेट, तो द डिजिटाइजर इज ऑल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट बिकॉज इट कन्वर्ट्स द ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डेटा इंटू बाइनरी इनपुट्स। इट कन्वर्ट्स द ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डेटा इंटू बाइनरी इनपुट्स। व्हाट इज द यूज ऑफ ए बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का यूज क्या है, ठीक। इट इज मेजरली यूज इन द सुपरमार्केट्स एंड शॉपिंग मॉल्स फॉर द बिलिंग प्रोसेस। इट इज मेजरली यूज इन द सुपरमार्केट्स एंड शॉपिंग मॉल्स फॉर द बिलिंग प्रोसेस। विच टाइप ऑफ प्रिंटर अलाउ मल्टीपल करेक्टर वाइज साइमल्टेनियसली प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन। लाइन प्रिंटर, ठीक है ना, इसका क्या होगा, लाइन प्रिंटर, ओके। व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का क्या यूज है, ठीक है ना। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स की बात करते हैं, तो ए प्रोजेक्टर इज यूज टू अ प्रोड्यूस अ कंप्यूटर आउटपुट ऑन अ बिग स्क्रीन। दिस इज यूज इन मीटिंग रूम्स और इन द क्लासरूम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू गिव प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन, ए प्रोजेक्टर इज यूज टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर आउटपुट ऑन अ बिग स्क्रीन। दिस इज यूज इन मीटिंग रूम्स और इन क्लास रूम्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू गिव इन प्रेजेंटेशन। व्हाट इज एन ऑप्टिकल डिस्क, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। एन ऑप्टिकल डिस्क इज अ स्टोरेज मीडियम फ्रॉम विच डेटा इज रीड एंड रिटन बाई यूजिंग लेजर्स। एन ऑप्टिकल डिस्क इज A storage medium from which data is read and written by using lasers. Examples: compact disc, Blu-ray disc, DVD. What is a virtual keyboard? Virtual keyboard क्या है, ठीक है ना। तो virtual keyboard क्या था, virtual keyboard is one that does not exist physically. A small portable dongle-like device is there that makes a keyboard on the dark flat surface with the help of laser beams. A small portable dongle-like device is there that makes a keyboard on the dark flat surface with the help of the laser beams. What is a joystick? Joystick क्या है? A joystick is also pointing device which is used to move the cursor on the monitor screen. The joystick is also pointing device which is used to move the cursor on the monitor screen. Discuss the processing unit and memory and storage unit of a computer system. इसके definition लिखनी है. How does a light pen work? Light pen कैसे work करता है? है ना ये, तो द लाइट पेन इज अ पेन लाइक डिवाइस दैट इज, देखो इसमें पूछा गया है लाइट पेन कैसे वर्क करता है, सॉरी, हाउ डज ए लाइट पेन वर्क। तो द लाइट पेन कंसिस्ट ऑफ ए फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। व्हेन द टिप ऑफ ए लाइट पेन इज मूव्ड ओवर द मॉनिटर स्क्रीन एंड द पेन बट इज प्रेस्ड, इट्स फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड the corresponding signal to the CPU. State the difference between OCR and OMR. OCR और OMR में क्या difference है? OCR की full form क्या होती है? Optical character reader. OMR की full form क्या है? Optical mark reader. पहला ये difference है. Second is a OCR used to read a printed text. OCR is used to read a printed text. OMR
यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क, OMR used to recognize the type of marks made by pen or pencil. ठीक, थर्ड डिफरेंस इज इट यूज फॉर एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक, इट इज यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है ना. और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इट स्कैन टेस्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर. और डेटा को स्टोर कहां करता है, मेमोरी में. हाउ डज ए बार्क कोड रीडर वर्क, वेयर इज इट मोस्टली फाउंड नाउ वेज, शॉपिंग मॉल, है ना, शॉपिंग मॉल सुपरमार्केट्स में ये ज्यादातर बिलिंग प्रोसेस के लिए पाया जा रहा है. और बार कोड रीडर वर्क कैसे करता है, द बार कोड रीडर स्कैन्स अ बार कोड इमेज, कन्वर्ट इट into an alphanumeric values which is then fed to the computer to which the barcode reader is connected. Barcode reader scans a barcode image, converts it into an alphanumeric value which is then fed to the computer to which the barcode reader is connected. Okay, state the difference between the impact printer and non-impact printer. ये प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स में भी बता दिया है तो इसे रहने देना. ठीक, हाउ डज डाई सबलिमेशन प्रिंटर वर्क, सबलिमेशन प्रिंटर कैसे वर्क करता है. ठीक है ना, डाई सबलिमेशन प्रिंटर कैसे वर्क करेगा, सुन लो. द फिल्म इज हीट, सॉरी, द फिल्म इज हीटेड टू वेपराइज द डाई विच टर्न permits the paper surface and return to solid form. These printers are mostly used by printing media to print banners. ठीक, ये solid die के साथ क्या है, film को embedded करता है transparent के रूप में. ठीक है ना, transparent के रूप में इसका यूज किया जाता है. What is a Blu-ray disc? Describe it storage functionally. तो Blu-ray disc is the latest technology in the optical disc storage. A Blu-ray disc can store a large amount of high definition data. Its storage capacity is 5 times higher than the storage capacity of traditional DVD. And it can hold to 25 GB on a single layer and 50 GB of a double layer. है ना? Dual layer disc. What is a memory card? Where it is used. Memory card क्या होता है, तो a memory card is also type of flash drive. It is more compact than a pen drive. It is generally used in the digital device such as a digital camera, smartphones and tablets. ठीक है ना, smartphones and tablets. All questions are finished. Okay. Thank you very much.